नीट मेड इजी टीचर अंबिका शर्मा और आज बच्चे हम लोग फाइनली बायोडेक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं सो हाउ आर यू गाइस हाउ आर यूटिंग द रिस्ट्रिक्टेड डीएनए फ्रेगमेंट ऑन एगर जेल स्टेनिंग द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट विद इथीडियम रोमाइन कटिंग आउट द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए फ्रॉम एगरस जेल एगर जेल एंड एक्सट्रैक्टिंग दम फ्रॉम द जेल पीस Constructing recombinant DNA by joining the purified DNA fragments to the cloning vector. So what should be the correct answer, guys? What should be the correct answer? हमने ये डिस्कस किया है, हमने ये डिस्कस किया है. Yes, देखो, अगर कभी डायरेक्ट आंसर ना पता हो, go for the elimination method. Separating the restricted DNA fragment on agarose gel, ये तो नहीं होगा. Stain करना, illusion तो नहीं है. DNA बनाना भी नहीं है सो कटिंग आउट बैंड ऑफ डी एन एगर इम्पोर्टेंट लिटरली इट इज इंपॉर्टेंट जिन बच्चों ने ए आंसर दिया है प्लीज वो वन शॉट दोबारा चेक करो एज नॉट द आंसर बच्चे फाइनली जब आपके बैंड सेपरेट हो गए

एक्सपेक्टिंग द आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू जल्दी फटाफट आंसर करो फटाफट फड़ आंसर करो रीड द क्वेश्चन केयरफुली रीड द क्वेश्चन और फटाफट फड़ वीडियो को लाइक भी कर दो चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो बायोटेक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉप हंड्रेड क्वेश्चन आर देयर इन दिस सेशन सो काइंडली आंसर इट काइंडली आंसर इट क्या होगा यहां पर नॉन रिकॉम्बिनेंट कहा कर पाएंगे यस yes. जल्दी सो so, जिन बच्चों ने आंसर सी दिया है वेरी गुड तुम लोग ऐड कर लो प्लस फोर मार्क्स और जिन्होंने ए आंसर किया है वो माइनस कर लो एक माइनस वन कर लो वो माइनस वन कर लो अपना स्कोर चेक करते रहना बच्चे क्लोनिंग वेक्टर में दो एंटीबायोटिक जीन्स हैं राइट इस क्लोनिंग वेक्टर में दो एंटीबायोटिक जीन्स है लेट से एक यहां है एक यहां है अब हमने क्या कहा कि जहां हमने फॉरेन डीएनए कहा इंसर्ट कर दिया टेट्रासाइक्लिन के बीच में तो हमने एक तरह से इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दी हमने टेट्रासाइक्लिन को इनएक्टिव कर दिया राइट right. इस डीएनए में हमने टेट्रासाइक्लिन को इनएक्टिव कर दिया सो so, ये चीज सिर्फ और सिर्फ रिकॉम्बेनेंट में देखने को मिलनी है बच्चे ये चीज सिर्फ और सिर्फ रिकॉम्बेनेट में देखने को मिलनी है सो so, जो नॉन है इन द क्वेश्चन दे आर आस्किंग नॉन रिकॉम्बिनेट राइट इन द क्वेश्चन दे आर नॉन नॉन रिकॉम्बिनेंट्स रिकॉम्बिनेंट्स सो तो दोनों मीडियम्स में सर्वाइव कर जाएंगे और अगर रिकॉम्बिनेंट पूछा होता तो वो रिकॉम्बिनेंट टेट्रासाइक्लिन में सर्वाइव नहीं करता बट वो कहाँ सर्वाइव कर जाता वो एम्फेसिलिन में सर्वाइव कर जाता सो येस इट कैन बी योर सी वाई क्यू दट इज कमिंग ईयर का क्वेश्चन राइट कमिंग ईयर का क्वेश्चन So when isolating the pure DNA from a bacterial cell, the cell should not be treated with. When isolating the pure DNA from the bacterial cell, the cell should not be treated with right? When isolating the pure DNA from bacterial cell, the cell should not be treated with. किसके साथ हमें सेल को नहीं ट्रीट करना है कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है वेरी गुड बच्चे रिथ्स एक्सेलेंट नाइस 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 वॉट अबाउट अदर्स वॉट अबाउट अदर्स जल्दी सो इट इज डी ऑक्सीराइवो न्यूक्लिएज क्योंकि बच्चे डी ऑक्सीराइवो न्यूक्स ये वी आर टॉकिंग अबाउट डीएनएज डीएनएज क्या करती है इट डीग्रेड द डीएनए राइट इट डीग्रेड्स डी एन ए सो अगर हमें डीएनए चाहिए राइट right, तो ऑब्वियसली बात है हम इससे थोड़ी ट्रीट करेंगे या तो डीएनए को खत्म कर देगी हमारा तो पर्पस ही सॉल्व नहीं होगा चलिए अगला क्वेश्चन टैक पॉलिमरेजेज यूज इन पी सी आर बिकिस टैक पॉलीमरेजेज यूज इन पी सी आर बिकिस टैक पॉलीमरेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्यों यूज की जाती है स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप ऑल ऑफ यू स्पीड अप जल्दी से बच्चे शेख फटाफट -फड़ आंसर कर दो इस क्वेश्चन का विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस आपको सब बताया जाएगा सो so, जल्दी से जल्दी से आंसर करो

और ये इंजाइन क्या कर सकती है ये बहुत हाई टेम्परेचर में भी अपनी एक्टिविटी कर सकती है इट कैन विद स्टैंड इट कैन इट इज फंक्शनल इन वेरी हाई टेम्परेचर समझ में आया चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन विथ स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस इज नॉट ट्रू विथ स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस इज इज नॉट ट्रू जल्दी फटाफट With statement regarding restriction endonuclease is not true. Jaldi. Restriction endonuclease, there they recognize a specific base, base sequence in DNA. Yes. दे आर प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियल सेल एज अ प्रिमेटिव इम्यून सिस्टमिंग न्यूक्लियो फ्रॉम फ्री थ्री डैश एंडरेट स्टिकी एंड इट शुड बी स्टिकी देखो तुम्हें इन करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी स्टेटमेंट बतानी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है सो ऑब्वियसली बात है एंडोन्यूक्लियस कहाँ कट लगाएगी इन साइड सो मैंने तुम्हें अच्छे से बताया था समझाया था कि ये बेसिकली शुगर फॉस्फेट बैकबोन को तोड़ती है कितने बच्चों को ये याद है ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन को तोड़ती है कितने बच्चों को याद है कितने बच्चों को याद है सो so डेफिनेटली <coughs> ये जो ये पॉइंट है कि दे डाइजेस्ट डीएनए बाय रिमूविंग द फ्रॉम थ्री डैश एंड इट इज इन करेक्ट राइट और अगर किसी बच्चे को बी ऑप्शन में डाउट है तो बी में तुम्हें पता है ना दे आर प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियल सेल एज अ प्रिमिटिव इम्यून सिस्टम मैंने तुम्हें वो बताया था रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम पढ़ाया था मैंने तुम्हें जिस बच्चे ने नहीं देखा है दो पार्ट में मैंने ये चैप्टर कंप्लीट करवाया है उन वीडियो को चेक कर लेना सो इट्स रेस्ट्रिक्शन मोडिफिकेशन सिस्टम सो ये पार्ट ऑफ बैक्टीरिया इम्यून सिस्टम जो उसको बचाएगा किसी और फॉरन डी को उसके अंदर ग्रो नहीं करने देगा गॉट इट चलिए सो द प्लाज्मेड पी बी आर contain what the plasmid पी बी आर थ्री टू टू डज नॉट कंटेन यस मेरा बच्चा आंसर इट क्विकली pbr 322 does not contain it does not contain obviously agar ye plasmid hai to origin of replication hona chahiye right uh kya streptomycin wala point to nahi tha ki tha nahi tha gene for streptomycin to bilkul bhi nahi tha but a gene that encodes for restrictor of plasmid copy number अगेन पी वाई क्यू ओके हो सकता है ये लो आई थिंक नाउ इट इज क्लियरली विजिबल सो काइंडली आंसर दिस क्वेश्चन काइंडली आंसर दिस क्वेश्चन बिल्कुल सही सुनाया वेरी नाइस बच्चे एक्सेलेंट jaldi 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 what is true a b a b c in the diagrammatic representation of recombinant dna technology at a same restriction enzyme is used to cut both foreign and vector dna the enzyme used at b is dna ligase step c can be called as transformation so what is the correct answer what is the correct answer यस yes, बच्चे इस तरह के क्वेश्चन बार बार आते हैं पेपर में राइट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में बच्चे इसके लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है राइट right? आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है जल्दी से आंसर कर दो इसको फटाफट यस सो बच्चे द करेक्ट आंसर इज डी इन्होंने क्या बोला कि वॉट इज ट्रू राइट वॉट इज ट्रू वेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी अपने आप देखो ये स्टेप्स तुम्हारी बुक में भी दे रखे हैं सेम रिस्ट्रिक्शन इनम ये देखो ये है यहां पे है तुम्हारा ए पॉइंट कि एट ए सेम रिस्ट्रिक्शन इज इनम टू कट बोथ फॉरन एंड वैक्टर डीएनए पॉइंट बिल्कुल सही बता रहा है फॉरन और वेक्टर डीएनए के लिए हमें पता है हम सेम सेम इंजाइम यूज करते हैं वी यूज सेम रिस्ट्रिक्शन इंजाइम ताकि हमारे पास एक तरह से स्टिकी एंड कॉम्प्लीमेंट्री ओवर हैंग्स आ जाए फर्स्ट पॉइंट सेकेंडली द इंजाइम यूज एट बी इज डीएनए लाइगेज अब ये देखो ये देखो हाँ यहां पर ये कह सकते हैं ए एंड बी की पोजीशन थोड़ी सी गड़बड़ है बट यस बी ही यूज होगी ताकि हम फॉरेन डीएनए को इसके साथ लाइगेट कर सके ट्री ओवर हैंग्स तो राइट कॉम्प्लीमेंट्री ओवर हैंक्स तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ जाएंगे शुगर फॉस्फेट बैकबोन को जोड़ने के लिए वी नीड द लाइगेस एंड इट इट कम्स टू सी बच्चे इज ट्रांसफॉर्मेशन सो इस तरह से तुम लोगों को डायग्राम्स अच्छे से पढ़ने हैं इज दैट क्लियर इज दैट क्लियर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस है टेक योर टाइम एंड आंसर इट इनमें से कौन सा पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस है कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैलेंड्रॉमिक सीक्वेंस अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे नहीं होगा एक मिनट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या डाउट है अगर मेरा बच्चा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर इस बैक्टीरिया ने एक्सेप्ट किया है तो इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड है ना सो so, ऑब्वियस बात है ट्रांसफॉर्मेशन आ गया ठीक है ठीक है अब अब बताओ आगे क्वेश्चन का आंसर करो हाँ वेरी गुड नाइस बच्चे शेख बहुत बढ़िया तुम्हें यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बताना है अगर तुम इन सीक्वेंसेस को ध्यान से देखो तो तुम्हें दिख जाएगा यहाँ पे ये देखो जैसे ये है फाइव डैश टू थ्री डैश एंड की तरफ क्या है सी जी टी ए टी जी सी जी टी ए सॉरी हाँ सी जी टी ए नहीं है ठीक है अब यहाँ पे सी जी ए ए टी जी फाइव नोपस फाइव डैश से थ्री डैश की तरफ जी ए ए टी टी सी सी टी टी ए जी ऑफकोर्स यू गॉट योर आंसर यही है पेलेंड्रॉमिक सीक्वेंस। पेलेंड्रामिक सीक्वेंस कौन सा है जैसे ये देखो ये इको आर वन का है जी ए ए टी टी सी थ्री डैश ठीक है हमें पता है कि डीएनए के स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल है सो तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया जी ए ए टी टी सी ओपोजिट डायरेक्शन में सो तो अगर आप इसको इस तरफ से इस तरफ तक पढ़ो जी ए ए टी टी सी इस तरफ से इस तरफ तक पढ़ो जी ए TBC. You got your answer, right? You got your answer, right? Right? So properly check करना है Doubt हो तो बना के देख लेना है लेकिन अपने चार number और I can say पांच number compromise नहीं करने हैं Answer बहुत जल्दबाजी में कभी भी मत देना सारी options को अच्छे से पढ़ो फिर answer दो बच्चे Right? फिर answer दो चलिए next question. How are transformations selected? Uh, transformations? सेलेक्टेड फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स जल्दी बताओ हाउ आर ट्रांसफॉर्मेंट्स सेलेक्टेड फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट गाईज बी क्विक बी क्विक जल्दी जल्दी फटाफट हाउ आर ट्रांसफॉर्मेंट सेलेक्टेड फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स यस, yes, एग्जैक्टली exactly. यहां पे करेक्ट आंसर है दोनों प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिक्शन साइट ये कहीं से भी ट्रांसफॉर्मेशन और नॉन ट्रांसफॉर्मेशन में मदद नहीं करती द वेरी फर्स्ट पॉइंट सेकेंडली प्रेजेंस ऑफ एलियन डीएनए इनटू इन टू द वेक्टर डीएनए जिसकी वजह से क्या होगा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर यस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स राइट इट गेट्स इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शनल इंसर्शन ऑफ अ वो क्या करते हैं शुरू की ऑप्शन पढ़ी फिर उन्हें लगने लग जाता है अरे बी पढ़ा बी पढ़ के एकदम खुश सच्ची so, बताना कितने बच्चे ये काम करते हैं जैसे क्वेश्चन खोला बी पढ़ा और यार मैम यही आंसर है फटाफट ओ एम आर शीट में भर देते हैं वो बाकी के options देखते ही नहीं है राइट right, बाकी के ऑप्शंस देखते ही नहीं है सो so, कभी भी ओ शीट में आंसर भरने से पहले सारे चारों के चारों राइट right, चारों के चारों ऑप्शंस को अच्छे से चेक करना है उसके बाद एक फाइनल आंसर मार्क करना है बच्चे ऐसा ना हो कि तुम दो ही ऑप्शंस देखो और आंसर मार्क कर दो ठीक है चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लाज्मेड वेक्टर इन डीएनए रिकॉम इन डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी मीन्स ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है बहुत इजी सा क्वेश्चन है जल्दी से ये बताओ जरा जल्दी आंसर इट बच्चे प्लाज्मेड वेक्टर इन डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी मीन्स यस yes. बिल्कुल सही इट इज द एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल ऑटोनोमसली रेप्लीकेटिंग सर्कुलर डीएनए ये ऐसा सर्कुलर डीएनए है जो खुद से रेप्लीकेट करेगा राइट दैट इज प्लाज्मिड चलिए अगला क्वेश्चन इज अ कॉमनली यूज होस्ट फॉर जीन क्लोनिंग बिकिस यस yes. क्यों ज्यादातर हम लोग इकोलाय e को यूज करते हैं राइट फटाफट फटाफट jaldi why do we use e coli fatafat Fata fat. why do we use e coli why is it considered as host for gene cloning of course all of this these it is free from elements that interfere with replication and recombination of dna yes it is easy to transform it supports रेप्लीकेशन ऑफ इंसर्टेड सर्टेड डी एन एस एंड वन मोर थिंग बच्चे याद रखना इक्वलाई e में जब बाय डायरेक्शनल रेप्लीकेशन होती है ना उसके बाद आफ्टर ट्वेंटी मिनट्स राइट इक्वलाय में जब बाय डायरेक्शनल रेप्लीकेशन होती है आफ्टर ट्वेंटी मिनट तुम्हें अगली जनरेशन मिल जाती है राइट आफ्टर ट्वेंटी मिनट्स तुम्हें अगली जनरेशन मिल जाती है आर यू गेटिंग माई पॉइंट सो इनसर्शनल इन एक्टिवेशन ऑफ जीन हेल्प इन इनल इन एक्टिवेशन ऑफ जीन हेल्प इन इंसर्शनल इन एक्टिवेशन ऑफ जीन हेल्प इन किस में मदद करती है ये जल्दी बच्चे इंसर्शनल इन एक्टिवेशन ऑफ अ जीन हेल्प इन एग्जैक्टली ये मदद करेगी ट्रांसफॉर्मेंट को चेक करने के लिए सो so, अभी तक कितने बच्चों के सारे क्वेश्चन सही हैं अभी तक कितने बच्चों के सारे क्वेश्चन सही हैं कोई ऐसा बच्चा है जिसके सारे क्वेश्चन सही हैं हाँ अब ये वाला क्वेश्चन भी बता दो इंस इन ऑफ लैक Z gene forms. Insertional inactivation of lac. Z gene forms. Insertional inactivation of lac. Z gene forms. फटाफट आंसर करो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ लैक जीन फॉर्म्स। बच्चे कलरलेस रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। एंड अगर वो लैक अगर वो खुद को एक्सप्रेस करे देन क्या मिलेगा बीटा गैलेक्टो साइडेस, राइट right? बीटा गैलेक्टो साइडेस। उससे क्या आती है ब्लू कलर की कॉलोनीज। और अगर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो रखा है तो क्या होगा

It can be done with the help of? The visualization of DNA bands on the gel can be done with the help of? Huh? Exactly. The correct answer here is ethidium bromide. तो देखो बायोटेक्नोलॉजी बिल्कुल भी टफ नहीं है अगर तुम एक बार इसके चैप्टर्स को मास्टर कर लेते हो तुम लोग अच्छे से ये दोनों चैप्टर्स याद कर लेते हो बच्चे यू विल नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द क्वेश्चन राइट लेकिन तुम्हें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा एक बार ओके okay? एक बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसके लिए यूज होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसके लिए यूज होती है यस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज फॉर जल्दी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू दियर साइज सो हमेशा याद रखना इट डिपेंड्स अपॉन द साइज अगर यहां साइज की बजाय चार्ज लिखा होता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती ठीक है अगर साइज की बजाय यहां पर चार्ज लिखा होता तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होती सो वॉट इज द करेक्ट आंसर हियर इट इज बी इन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अंडर द इलेक्ट्र हा इन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द चार्ज मॉलिक्यूल दे विल बी सेपरेटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बट दे विल बी सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज चार्ज मॉलिक्यूल होना चाहिए ताकि करंट की वजह से मूवमेंट आए लेकिन जो सेपरेशन है बच्चे दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज राइट दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज सो विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए इनमें से कौन सा ऐसा वेक्टर है जो बहुत छोटा सा फ्रेगमेंट डीएनए का क्लोन कर सकता है राइट right? बहुत छोटा सा फ्रेगमेंट डीएनए का क्लोन कर सकता है टेल मी टेल मी द करेक्ट आंसर हियर इज प्लाजमेट और ये जो तुम्हारे बी एसी और वाई ए सी है स्पेशली दिस वाई ए सीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम ये बड़े बड़े डीएनए के फ्रेगमेंट को कॉपी कर सकते हैं राइट right? इसीलिए ये दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी यूज होते हैं राइट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी यूज होते हैं सो कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया दे अपीयर वाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू ब्लू कॉलोनीज ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ यस बच्चे क्यों ऐसा होता है जल्दी बता दो क्यों ऐसा होता है बी क्विक

सो इट इज दी विच इज द करेक्ट आंसर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज जेनेटिक इंजीनियरिंग क्यों पॉसिबल हुई जेनेटिक इंजीनियरिंग किस वजह से पॉसिबल हुई जल्दी फटाफट बीटा गैलेक्टोसाइडेज़ अनुराधा बीटा केलेक्ट्रोसाइड है सो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्यों पॉसिबल हुई ऑफ कोर्स बच्चे द करेक्ट आंसर इज सी क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्योरिफाइड फ्रॉम बैक्टीरिया कैन बी यूज इन विट्रो ये लाइन मैंने एज सच तुम लोगों को लिखवाई भी थी तुम्हारे नोट्स में जो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे शेयर हुआ है टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर हुआ है सो so, उस पीडीएफ में तुम लोग ये चेक कर सकते हो ठीक है ठीक है और वी कैन कट डी एन एड स्पेसिफिक साइड बाई एंडो न्यूक्लियस लाइक डीएनएज नो डी एन एज डी एन ए को डिग्रेड डीग्रेड uh, करती है चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल्स आर प्लाज्मेट्स प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल्स आर प्लाज्मेट्स प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल्स आर जल्दी प्लाज्मेड्स प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल्स आर जल्दी दे आर सर्क्यूलर डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल सो प्लाज्मेड इज डीएनए इट्स नॉट द आर एन ए गड़बड़ मत करना सो बैक्टीरिया जनरली यूज फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ऑब्वियसली इक्वल राइट चलिए विच वन इज अ ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीएनए पॉलीमरेज विच इज यूज इन पीसीआर इसके बारे में बताओ ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीएनए पॉलीमेरेज यूज इन पीसीआर पीसीआर में जो हम डी एन पॉलीमेरेज यूज करते हैं उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हाँ जी अनुराधा फटाफट पड़ इसका आंसर करो जल्दी से इसका आंसर करो बच्चो येस yes. कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ऑफकोर्स ये डी एन कौन सी पॉलीमेरेज है वहां पर टैक पॉलीमेरेज कहां से आइसोलेट की है हमने आकी बैक्टीरिया से कौन सा आकी बैक्टीरिया थर्मोफिलस एक्वाटिकस राइट सो उसकी वो आर की बैक्टीरिया अब अब नाइंटी डिग्री सेल्सियस पे भी ये इंजाइम एक्टिव रहती है थर्मोस्टेबल है दैट इज वाई डी इज द करेक्ट आंसर ह्योर और अगर किसी को पीसीआर में डाउट हो तो तुम्हारी क्विक रिविजन के लिए द थ्री स्टेप्स आर डाई राइट द थ्री स्टेप्स आर डाई क्लियर डीनेचुरेशन एनीलिंग एंड एक्सटेंशन ओके चलिए सो वॉट इज द क्राइटेरिया फॉर डीएनए फ्रेगमेंट मूवमेंट ऑन एगारोस जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरैसिस वट इज द क्राइटेरिया फॉर डीएनए फ्रेगमेंट मूवमेंट ऑन एगारोस जेल जल्दी बताओ जिसने लेक्चर लगाए उसको तो ईजीली पता होगा नहीं सो वॉट इज द क्राइटेरिया फॉर डीएनए फ्रेगमेंट मूवमेंट ऑन एगारोस जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरैसिस बच्चे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं तुम कम से कम 6 से सात क्वेश्चन उस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हो जी बिल्कुल सही जो छोटा फ्रैगमेंट का साइज है वो बहुत दूर तक जाएगा देखो हमें पता है एक प्लस एंड होगा एक माइनस एंड होगा प्लस एंड हमारा आ जाएगा एनोड राइट माइनस एंड हमारा आ जाएगा कैथोड सो so, अगर हम लोगों ने एक नेगेटिवली चार्ज जैसे कि तुम्हारा डीएनए राइट right? अगर हमने नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल का सेपरेशन करना है जैसे कि तुम्हारा डीएनए डीएनएसली बात है इट विल मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट विल मूव टूवर्ड्स द नॉट सो जो छोटे साइज का होगा वो ज्यादा दूर तक चला जाएगा सेपरेट हो जाएगा राइट right, बच्चे सो so, साइज के बेसिस पर सेपरेशन होता है चार्ज के बेसिस पर नहीं साइज के बेसिस पर सेपरेशन होता है चार्ज के बेसिस पर नहीं सो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों स्टर टैंक बायो रिएक्टर हैज बीन दे आर डिजाइन फॉर जल्दी हा छोटे वाला एनॉर्ड की तरफ जाएगा ना फटाफट फटाफट मूव करेगा सो द स्टर टैंक बायो रिएक्टर्स दे हैव बीन डिजाइन फॉर फटाफट स्टर टैंक बच्चे ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस वैसे बायो रिएक्टर्स क्या करते हैं बायो रिएक्टर्स लार्ज फर्मेंटिंग हैं जिनमें हम लोग लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं बच्चे राइट सो so, इसमें ये जो स्टर्ड टैंक है उस स्टर से क्या होने वाला है ऑक्सीजन की यूनिफॉर्म अवेलेबिलिटी करवाई जाएगी उस पूरे मीडियम में दैट इज वाई हेयर द करेक्ट आंसर इज सी ये क्वेश्चन कितने बच्चों का सही हुआ अब ये बताओ इसमें से कौन सी इंजाइम के पास ब्लंट एंड्स है इनमें से कौन सी इंजाइन कौन सी इंजाइम ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस करेगी कौन सी इंजाइम ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस करेगी विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन इंजाइम प्रोड्यूज ब्लंट हाँ जी ऑब्वियसली इको आर फाइव ये मैंने नोट्स में भी इंक्लूड किया है नोट्स जरूर चेक करना जो मैंने पीडीएफ शेयर किया है टेलीग्राम ग्रुप में वहां पर भी ये ये इंक्लूडेड है बच्चे सो so, सो बाकी सब कौन से से एंड्स एंड्स स्टिकी एक क्वेश्चन अगर यहां से होता है ना कि इज गोइंग टू गिव द ब्लंट एंड्स तो तुम्हें ये भी याद रखना है कि बाकी तीनों एंजाइम्स क्या दे रही है स्टिकी एंड्स सो यही क्वेश्चन यही क्वेश्चन तीन और तरीके से पूछा जा सकता है राइट right, बच्चे चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनादर थ्रू दिएक्टर वैक्टर को यूज किया और उसकी मदद से जेनेटिक मटीरियल को एक बैक्टीरिया से दूसरे में पहुंचाया इसको क्या कहोगे एंड लेट मी टेल यू बच्चो पहले यह बताओ कितने बच्चों का एकदम मोमेंटम बन गया है फ्लो बन गया है कि मैम अब हम स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और कितने बच्चे जो बिल्कुल सही जा रहे हैं जो कॉन्फिडेंट है कि हाँ जी अब हमें आता है हम लोग कर लेंगे हम संभाल लेंगे कितने बच्चे हैं कॉन्फिडेंस आ रहा है कॉन्फिडेंस आ रहा है हा यस yes? कॉन्फिडेंस आ रहा है तो एक अच्छा अच्छा सा इमो एक एक विक्ट्री वाला इमो फटाफट चार्ट सेक्शन में भेज दो जल्दी से जल्दी से कि यस वी आर फीलिंग कॉन्फिडेंट हमें अच्छा लग रहा है हमें क्वेश्चन आते हैं जितना हम लोगों ने पढ़ा है वैसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं यस वी वी विल गेट राइट थ्री हंड्रेड प्लस मार्क्स इन बायोलॉजी वेरी गुड वेरी गुड गलत नहीं करना है अच्छे से पढ़ो गलत नहीं करना है राइट सो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और कोई नया बच्चा जुड़ा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना राइट right? चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना सो यस हियर द करेक्ट आंसर इज बच्चे ट्रांसडक्शन मैंने तुम्हें बताया था ना कि जैसे लेट्स से दिस इज द बैक्टीरिया राइट लेट्स से हियर वी हैव अ बैक्टीरिया हम बैक्टीरियो फेज की एग्जांपल कंसीडर करते हैं और ये क्या है वायरस सो so, जब हम लोग वायरसेस के थ्रू एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटीरियल ट्रांसफर करेंगे वी विल यूज द वर्ड ट्रांसडक्शन कॉन्जुगेशन कब होता है बच्चे जब जब ऐसे कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है याद है इज़ द सेक्स पाइलस कॉन्जुगेशन टूब ट्यूब बनती है ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा जब ये सेल अपने सराउंडिंग से डीएनए को एक्सेप्ट करेगा अपने डीएनए में इनकॉपरेट करेगा एंड ट्रांसलेशन तुम्हें पता है एम से प्रोटीन का बनना ही ट्रांसलेशन है राइट right? एम से प्रोटीन का बनना ही ट्रांसलेशन है नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन रिस्ट्रिक्शन इन रेस्ट्रिक्शन इन रेफर्स टू रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन रेफर्स टू टेल मी बच्चे रेस्ट्रिक्शन इन रेस्ट्रिक्शन इनजाइम रेफर्स टू क्या मतलब है इसका जल्दी रेस्ट्रिक्शन इन रेस्ट्रिक्शन इन जाइम रेफर्स टू ऑफकोर्स रिस्ट्रिक्शन इसका ओ, -ओ हाँ ठीक है ये देखो रिस्ट्रिक्शन इन रेस्ट्रिक्शन इन्जाइम अगर तुम्हें यहां पर रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम की बात हो रही है बच्चे सो हमें पता है उस एंजाइम का काम क्या है कि, कि किसी भी फॉरेन डीएनए को बैक्टीरिया में ग्रो करने नहीं देना राइट बैक्टीरिया में ग्रो करने नहीं देना समझ में आया सो हेयर द करेक्ट आंसर इज सी और ये जो लिखा है हाँ कि क्लीविंग ऑफ फॉस्फोडाइस्टाबॉन्ड एंड डी एन ए बाई द इन्जाइम ओके नहीं रेस्ट्रिक्शन के लिए स्पेसिफिकली तुम्हें यही आएगा ये सी आंसर रहेगा यहाँ पे राइट सी आंसर रहेगा चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इन एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरसिस डीएनए मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देअर अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन बच्चे बहुत ईजी क्वेश्चन है जल्दी बताओ जल्दी बताओ सो इट इज साइज ओनली बच्चे वहां पर बी नहीं सी ही आएगा सी सबसे अप्रोप्रिएट है रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम को एक बार रिकॉल करो चलिए नेक्स्ट आंसर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन प्लाज्मा टू सर्व एज अ वेक्टर इन जीन क्लोनिंग सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है क्विक सबसे इंपॉर्टेंट यस सबसे इंपॉर्टेंट सो ऑबियसली बात है इट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन नहीं है तो वो प्लाज्मेट रेप्लीकेट कैसे करेगा नाउ वाइल आइसोलेटिंग डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया विच ऑफ द फॉलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड ये हमने कर लिया राइट डी ऑक्सीराइवो सो विच ऑफ द फॉलिंग हैज पॉपुलराइज द पीसीआर अब यह बताओ किसकी वजह से पीसीआर तुम्हारा इतना पॉपुलर है जल्दी 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 इसका करेक्ट आंसर बताओ फटाफट इसका करेक्ट आंसर बताओ हा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पॉपुलराइज द पीसीआर। बच्चे थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज की वजह से इसी की वजह से हाई टेम्परेचर पर हम लोग डीएनए uh, के टेम्पलेट को कॉपी करके उसकी एम्प्लीफिकेशन कर पाते हैं right, राइट बच्चे सो द करेक्ट आंसर इज डी द नेक्स्ट क्वेश्चन सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक मेथड इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज टू फैसिलिटेट हीट शॉक मेथड ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे मदद करता है हीट शॉक मेथड ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे मदद करता है जल्दी सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक मेथड In bacterial transformation, is to facilitate, हाँ। huh? so बच्चे, here the correct answer is this ki uptake of DNA through transient pores in the bacterial cell wall। हमें पता है सबसे पहले हम लोग divalent cation का ka use करते हैं। किसका use करते हैं divalent cation का? हम calcium और magnesium किसी को भी use कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है बच्चे आइस uh, ट्रीटमेंट है हीट शॉक है फिर आइस ट्रीटमेंट है राइट right? सो so, यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द रोल ऑफ डी एन ए इज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए डी एन ए मॉलिक्यूल व्हाट इज द रोल ऑफ डी एन ए इज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रिकॉम्बिनेंट डी एन ए मॉलिक्यूल जल्दी रोल ऑफ डीएनए लाइएक्यूल क्या करेगी ये इसका काम है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को जोड़ना याद रखना तुम्हारी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियुगर फॉस्फेट बैक बोन को तोड़ती है वो किसको तोड़ती है ट बैक बोन को तोड़ती है सो so, जिसकी वजह से क्या होगा फॉस्फोडर बॉन्ड बनेंगे ओके okay? सो so, अब ये बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर टैक् बाय इन पॉलीमरेज इन पीसीआर ये भी हमने कर लिया है हमें पता है वो एक्सटेंशन करेगी है ना एक्सटेंशन करेगी टैक पॉलीमरेज का क्वेश्चन देखो कितनी बार रिपीट हुआ अब अ बैक्टीरियल सेल वाज ट्रांसफॉर्म्ड विद विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए दैट वॉज generated using हाँ uh, using a human gene. However the transformed cell did not produce the desired protein. बहुत अच्छा question है ये बताओ जरा ये बताओ जरा अच्छा question है ये बताओ बड़ा वट इसका आंसर करो हाँ बच्चे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ए इसका आंसर बहुत सिंपल सा है ए तुम्हें पता है ह्यूमन के केस में मतलब एक यू कैरियोटिक सेल के केस में क्या होता है बच्चे एक यू कैरियोटिक सेल के केस में क्या होता है हमारे पास हमारे पास हैट्रोजीनस एम बनता है वहाँ इंट्रॉन भी है एक्जोन भी है इंट्रॉन क्या है नॉन कोडिंग डीएनए राइट नॉन कोडिंग रीजन एग्जोन क्या है

इसीलिए पूनम हम लोगों ने जब कल इंसुलिन की बात नहीं की थी इंसुलिन की बात नहीं की थी तो बताया था ना मैंने तुम्हें कि में ए चेन चेन और बी अलग से बनेगी बाद में उसको जोड़ा जाएगा क्यों क्योंकि वो प्रोसेस नहीं हो पाएगी सो so ये इतना क्वेश्चन अच्छा आया उसमें सबने गलत आंसर किया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इनजाइन कैटेलाइज द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए एंड से कौन निकालेगा न्यूक्लियोटाइड्स को एंड से कौन निकालेगा न्यूक्लियोटाइड्स को एंड से कौन निकालेगा जी बिल्कुल बच्चे अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे इसी तरह से रिवीजन करोगे थ्री सिक्सटी आ जाएंगे सो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर हियर इज एक्सो न्यूक्लियस नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डीएनए और आर जो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ टैग्ड है उसको हम क्या बोलते हैं बहुत ईजी है ये डीएनए और आर जो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के के साथ टैग्ड है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं फटाफट पड़ बताओ उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं क्विक क्विक एग्जैक्टली इट विल बी द प्रोब ठीक है चलिए सो डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ बायो मॉलिक्यूल कैन बी अचीव बाय द ट्रीटमेंट विद डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ द मिक्सचर ऑफ बायो मॉलिक्यूल कैन बी अचीव बाय द ट्रीटमेंट विद हाँ कैन बी अचीव बाय द ट्रीटमेंट विद यस वेरी इजी इट्स द चिल्ड इथेनॉल है ना फिर स्पूलिंग कर ली जाती है याद आया फिर स्पूलिंग कर ली जाती है सो देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन एंडो कॉल्ड इको आरबॉन को स्टैंड फॉर वेरी इजी क्वेश्चन बच्चे ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आए है ना फुल हाउस पक्का फिर नहीं फुल मार्क्स पक्के चलिए यहां क्या होगा करेक्ट आंसर वेरी गुड ऑल ऑफ यू ऑल ऑफ यू प्लीज पार्टिसिपेट इन दिस डिस्कशन बच्चे क्वेश्चन के आंसर अच्छे से करो यहां पर क्या होगा आंसर बिल्कुल सही दंसर विल बी एको लाए इको लाए राइट Chali, the next question, antibiotics and the genetic engineering are used. they are used. for a speed, me. for a word answer, karo. they are used. yes, they are used. all of you. Bilkul sahi. they are used as selectable markers. they are used as selectable. मार्कर्स कैसे सेलेक्टेबल मार्कर्स अगला क्वेश्चन बायोलिस्टिक जीन गन इज सुटेबल फॉर बायोलिस्टिक या जीन गन इज सुटेबल फॉर यस इट इज सुटेबल फॉर किस चीज के लिए सुटेबल है जल्दी किस चीज के लिए सुटेबल है बायोलिस्टिक जीन गान इंट्रोड्यूसिंग रिकॉम्ब डी एन एन टू प्लाट से जो जीन गन मैथड है जहां बम्बाडमेंट की जाती है डी एन ए की जहां मतलब हाई वेलोसिटी में जैसे मान लो तुम्हारा गोल्ड है टंग स्टन है जिसके ऊपर डी एन ए की डी एन ए जिसके ऊपर कोटेड है उसको बंबाडमेंट की जाती है और वो डायरेक्टली सेल्स में चला जाता है सो हेयर इट इज द एच इज द करेक्ट आंसर नाउ इंजाइन यूज इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज अव इनजाइम दैट इज यूज इन फटाफट विच इज यूज इन पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन हां आर यूज इन पॉलिमेरेज चेन रिएक्शन हमें पता है इट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इसको टेम्पलेट भी डीएनए ही चाहिए सो इट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी अच्छा ये गलत क्वेश्चन आ गया यहां पे ये क्वेश्चन बताओ डेफिनेशन ऑफ बायोटेक गिवन बाय ईएफबी ईएफबी पता है ना यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यस द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक गिवन बाय ईएफबी इट इनकम इट इनकम पास यस जल्दी बच्चे क्विक सो ऑब्वियसली बोथ वन एंड टू ट्रेडिशनल व्यू भी इसमें कंसिडर किया गया है मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक भी अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद फर्स्ट आर आरडीएनए मॉलिक्यूल इट इज नॉट एसोसिएटेड विद फर्स्ट आर आरडीएनए मॉलिक्यूल इसको बारे में बताओ नॉट एसोसिएटेड विद फर्स्ट आर आरडीएनए मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी तो so, 1975 कौन से वाला ईयर था 1975 तो था नहीं सेलमोनाला म्यूरियम था बिल्कुल था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था था स्टेनले हर्बर्ट बॉयर ने काम किया था बट इज इट 1975 और 1972 कौन सा ईयर था 1975 था या 1972 था कौन सा ईयर था फटाफट लिखो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी और इस क्वेश्चन को सीक्वेंस में अरेंज करो बच्चे ज द फॉलिंग इंजाइम इन दर ऑफ देर यूज फॉर एक्सपेरिमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग अरेन्ज दिन दर यूज फॉर एक्सपेरिमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग जल्दी आई एम है बिना क्वेश्चन के आंसर दे रहे है you ना know? इतनी खुशी इतनी खुशी आज कोई स्पैमिंग नहीं है सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं कोई ए बोल रहा है बी बोल रहा है सी बोल रहा है डी बोल रहा है बट टाइम कोई नहीं वेस्ट कर रहा हाँ हाँ हा। आज तुम्हारी क्लास लगा के अच्छा लगा अच्छा लगा आज तुम्हारी क्लास लगा के सो so, अब तुम्हें क्या बताना है इनजाइन्स का ऑर्डर सो सबसे पहले हमें कौन सी चाहिए हमें डिजाइड जीन चाहिए होगा सबसे पहले चाहिए होगा ठीक है फिर हम लोग बिल्कुल सही डिज़ायर्ड जीन उसके बाद ठीक है आई गॉट सबसे पहले ये देखो रिस्ट्रिक्ट डिज़ायर्ड जीन और रेस्ट्रिक्शन इन्जाइन जिसने ये दो चीज़ें क्रैक कर ली एलिमिनेशन मेथड यूज करो ऑप्शन कैंसलेशन करो आंसर आ गया आंसर आ गया है ना सो व्हाट डज क्लोनिंग मीन हाँ अब मैंने तारीफ कर दी इसका मतलब ये नहीं है स्पैमिंग शुरू हो जानी चाहिए स्पैमिंग ना शुरू हो हाँ नज़र ना लगे तुम्हें है ना बस ऐसे ही रोज अच्छे अच्छे क्वेश्चन के आंसर करते रहो है ना हाँ शायद कह रहा है किसी की नजर ना लगे थू थू नजर नहीं लगनी चाहिए बस ऐसे रोज ऐसे ही आंसर करते रहो ना स्पैमर्स को आने दो बस पढ़ाई करेंगे सिर्फ बायोलॉजी 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 नहीं चले सो नेक्स्ट 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 व्हाट डाज क्लोनिंग मीन व्हाट डज क्लोनिंग मीन फटाफट और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया डू सब्सक्राइब द चैनल क्लोनिंग का मतलब क्या है हमने किसको मल्टीप्लाई करना है डिजायर्ड जीन को ठीक है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेम ऑफ एनजाइन नॉइस 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 इजी है है तो ये भी इजी।

DNA gel electrophoresis is commonly prepared by agar, ha, agarose, which is a natural polymer which is extracted from seaweeds so that is why B.

जो भी सीक्वेंस माइंड में है उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स को अरेंज करो फिर इसका आंसर करो कौन सा स्टेप परफॉर्म किया जाएगा आफ्टर रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन बच्चे मुझे खुद नहीं क्वेश्चन नंबर पता फ्लो फ्लो में चलते हैं ऐसे ही क्या होगा इसका इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर है इल्यूजन फ्रॉम डीएनए जेल ठीक है जब तुमने पूरी रेस्ट्रिक्शन कर ली सब कुछ हो गया हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से फ्रेगमेंट सेपरेट कर लिए उस ऑन द बेसिस ऑफ साइज सेपरेट किए फिर उसको जेल में से निकाल लिया सो बी इज द करेक्ट आंसर सो इन ऑर्डर टू मेक द सेल कॉम्पिटेंट कैल्सियम का यूज क्यों होगा ऐसे ही बार बार घुमा घुमा के क्वेश्चन आएंगे बच्चे कुछ भी बाहर से नहीं आने वाला है. ऐसे ही बार बार घुमा घुमा के क्वेश्चन आएंगे यही किया जाता है तुम्हारे नीट के एग्जाम में राइट right? एक को दूसरे में दूसरे को, एक PYQ को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया लैंग्वेज चेंज कर दी ऐसे यूज करते हैं इन्हें सो so आंसर करो अब जरा इसे कि इन ऑर्डर टू मेक द होस्ट सेल कॉम्पिटेंट डायवेल कैल्सियम आर यूज कैल्सियम आर यूज्ड जल्दी 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 हमें पता है वो किसके लिए डायवेल स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन में होने चाहिए यस yes, बताया था डीएनए अपटेक करवाएंगे यस ये इंक्रीज द थ्रू इन द सेल वॉल यस सो दैट इज वाई ऑल ऑफ अब इसीलिए एडवाइस किया जाता है इसीलिए एडवाइस किया जाता है कभी भी एक ऑप्शन को देखकर आंसर मार्क नहीं करना है हमने सारी ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है ठीक है जी चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन माइक्रो इंजेक्शन इज अ मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एलियन डीएनए इनटू माइक्रो इंजेक्शन इज अ मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एलियन डीएनए इनटू यस माइक्रो इंजेक्शन यस बच्चे जल्दी 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 सो so, पे आ गया न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल क्योंकि माइक्रो इंजेक्शन में डायरेक्टली हमने क्या किया है एलियन डीएनए को न्यूक्लियस में इंट्रोड्यूस करते हैं मैंने तुम्हें आईसीएसआई इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की एग्जांपल दी थी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की एग्जाम्पल दी थी वो बस इसी के साथ चल रहा है ठीक ROP है चलिए अगला क्वेश्चन आर ओ पी सेगमेंट रोप सेगमेंट कोड्स फॉर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम लोग बहुत ज्यादा बार इसको इग्नोर कर जाते हो सो आर ओ पी सेगमेंट कोड्स फॉर आर ओ पी सेगमेंट कोड्स फॉर यस आर ओ पी सेगमेंट कोड्स फॉर जल्दी आर ओ पी सेगमेंट कोड्स फॉर

रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट है अगर चांस इस वहां पर जीन इंट्रोड्यूस हुआ वहां पर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुई तो भाई हमारे रेप्लीकेशन के लिए प्रोटीन्स नहीं बनेंगे और उसकी वजह से रैप्लीकेशन ही नहीं हो पाएगी डन बच्चे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पी वी यू कहाँ प्रेजेंट है बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये कहां प्रेजेंट है बच्चे हांजी दीपांशली अतिकूर स्टेनी आनंद पुष्पी सबा टाफट बताओ जरा इसके बारे में तनवी फुरकाना जल्दी कहां कहां इसकी रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट है ये इंपॉर्टेंट है पीबीआर थ्री टू टू वेरी इंपॉर्टेंट राइट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डन मेरा बच्चा सो इट इज पी अभी बताया कि आरोपी में भी एक रेस्ट्रिक्शन साइट है अगर गलती से हमने गलती से हमने वहां पर जीन इंसर्ट कर दिया तो प्लाजमेड नहीं करेगा के नहीं इंपॉर्टेंट so, right? so, है, है, okay? okay, है बहुत इंपॉर्टेंट है चलिए द एंड रिजल्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए सीन इन द एंड रिजल्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन तुमने चिल्ड इथेनोल डाला क्योंकि तुमने तुम्हें प्योरिफाइड डीएनए चाहिए था पर वो कैसा दिखेगा क्या दिखेगा वहां पर राइट right. क्या दिखेगा कैसा दिखेगा जल्दी क्या दिखेगा कैसा दिखेगा ऑब्वियसली इन द फॉर्म ऑफ फाइन थ्रेड्स और बाद में हम लोग स्पूलिंग से उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग स्पूलिंग से उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे सो प्राइमर्स आर नॉट प्राइमर्स आर नॉट यस। प्राइमर्स आर नॉट दे आर नॉट प्राइमर्स आर नॉट बायोलॉजिकली सिंथेसाइज ये जो तुम पीसीआर में प्राइमर्स यूज करते हो वो बायोलॉजिकली नहीं बने हैं बच्चे वो केमिकली सिंथेसाइज हैं प्लस जो हम पीसीआर में राइट जो हम पीसीआर में तुम्हारे प्राइमर्स यूज करते हैं वो आरएनए प्राइमर्स नहीं है दैट आर डीएनए एन एलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स वो कौन से प्राइमर्स हैं डी एन एलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स ओके बच्चे चलिए अगला क्वेश्चन आफ्टर थर्टी साइकिल्स ऑफ पीसीआर हाउ मेनी टाइम्स डी डीएनए विल बी एम्प्लीफाइड थर्टी साइकिल्स ऑफ पीसीआर थर्टी साइकिल्स ऑफ पीसीआर हाउ मेनी टाइम्स डीएनए विल बी एम्प्लीफाइड यस हाउ मेनी टाइम्स डीएनए विल बी एम्प्लीफाइड जी बिल्कुल सही जवाब बिलियन टाइम्स है ना बिलियन टाइम्स चलिए अगला क्वेश्चन द सिलेंड्रिकल बॉडी और द कर्व्ड बेस ऑफ बायो रिएक्टर एक्चुअली फैसिलिटेट्स मिक्सिंग बेटर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मोर एक्मेशन ऑफ प्रोडक्ट या हैंडलिंग एंड मेंटेनेंस बहुत थोड़ा सा अलग है है ना थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है बट क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर मिक्सिंग बच्चे कर्व्ड बेस की वजह से मिक्सिंग प्रॉपरली हो जाती है right? राइट अगर डायरेक्ट आंसर नहीं पता है तो डी और ए कॉमन सेंस के बेसिस पर कैंसिल कर सकते हो बेटर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए वहां पर स्टरर भी है बेटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सो हियर द करेक्ट आंसर इज मिक्सिंग नेक्स्ट क्वेश्चन डीएनए एन आर ये भी पूछने की बात है है ना ये भी पूछने की बात है नेगेटिवली चार्ज क्यों भाई फॉस्फेट की वजह से फॉस्फेट की वजह से चलिए नेक्स्ट वट इज़ अ ट्यूमर इन ड्यूजिंग प्लाज्मेड यूज इन हाँ इट इज़ यूज इन प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट्स इट इज़ यूज इन प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा टी आई प्लाजमेट की बात हो रही है कौन किससे मिलेगा तुम्हें टी आई प्लाजमेट किससे मिलेगा तुम्हें टी आई प्लाजमेट बहुत थोड़े से क्वेश्चन रह गए फटाफट खत्म करते हैं फटाफट फड़ खत्म करते हैं नहीं लेट्स फिनिश इट ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है दैट इज एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमी फेस विच इज अचुरल इंजीनियर विच इज अ सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया डायकॉट्स केस में क्राउन गॉल ट्यूमर करता है राइट डायकॉट्स के केस में ये क्राउन गॉल ट्यूमर कॉज करेगा डन डन नॉइस सो ट्रांसजेनिक क्रॉप ऑफ द फ्यूचर गोल्डन राइस हैज विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रूव्ड ट्रेट्स गोल्डन राइस के पास क्या बेटर है गोल्डन राइस के पास क्या बेटर है हाँ जी क्या मिलेगा तुमको गोल्डन राइस के पास जल्दी ऑफ कोर्स हाई वाइटमिन ए का कंटेंट हाई वाइटमिन ए कंटेंट और हमें पता है क्यों क्योंकि इसके पास बीटा कैरोटीन विच इज द प्रिकर्सर ऑफ दैट वाइटमिन ए बीटा कैरोटीन जीन फॉर इनएक्टिव फॉर्म ऑफ बीटा कैरोटीन दे आर इंट्रोड्यूस इन गोल्डन राइस ठीक है जो जिन लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस है उनके लिए बहुत अच्छा है सो इट इज ऑल्सो अ फोर्टिफाइड फूड मतलब जो न्यूट्रिय इनरेस्ट है राइट तो यहां वाइटमिन इनरेस्ट हो गया So, कितनी राइस वेराइटीज इंडिया में प्रेजेंट है भाई कितनी राइस इंडिया में प्रेजेंट है अप्रोक्सीमेटली कितनी ये कल चैप्टर किया है हम लोगों ने कल और ये अंडर एस्टिमेट मत करना कि, यहां से क्वेश्चन एनसीआरटी एनसीआरटी ये भी हमारी एनसीआरटी दीदी में से है सो हंड्रेड एंड टेन परसेंट क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है सो येस द आंसर हियर इज दिस वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड सो टू लाख राइट, टू लैक्स चलिए नेक्स्ट ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप दैट मीस सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस अभी किया अभी डिस्कस किया ये नाइट ब्लाइंडनेस वाला जस्ट नाउ वी डिस्कस्ड इट, गोल्डन राइस सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोज दैट हैव यस दैट हैव जल्दी सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोज दैट हैव

ऑफकोर्स मेडिसिन चाहे डायग्नोसिस के लिए चाहे ड्रग्स बनाने के लिए इवन की कई ड्रग्स का ट्रायल करने के लिए भी ओके सो ह्यूमिलिन क्या है बच्चे व्हाट इज ह्यूमिलिन वेरी इजी क्वेश्चन व्हाट इज ह्यूमिलिन एग्रीकल्चर में नहीं एग्रीकल्चर से ज्यादा रोल बच्चे उसका मेडिसिन में है एग्रीकल्चर से ज्यादा रोल उसका मेडिसिन में है सो टेल मी व्हाट इज ह्यूमिलिन हाँ वॉट इज ह्यूमिलिन इट इंसुलिन पता है ना अमेरिकन कंपनी ने इक्वलाई e. में ए चेन को अलग से बी चेन को अलग से बनाया फिर जोड़ा अब मैंने तुम्हें रीजन आज क्वेश्चन में भी करवा दिया राइट क्वेश्चन में भी करवा दिया बैक्टीरिया के पास प्रोसेसिंग का कोई वे आउट नहीं है राइट बैक्टीरिया के पास प्रोसेसिंग का कोई वे आउट नहीं है बैक्टीरिया में आर एन ए प्रोसेसिंग नहीं होती हम ह्यूम में होती है यू कैरियोटिक सेल में होती है जहां आर एन ए स्प्लाइसिंग भी होगी कैपिंग एंड टेलिंग भी होगी बट ये चीजें बैक्टीरिया में एबसेंट है बैक्टीरिया में एक्सॉन इंट्रॉन का कॉन्सेप्ट नहीं है बैक्टीरिया में ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट है समझ आ गया इसीलिए सो so, अब ये बताओ जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स यूज इन ऑयल स्पिल बायो रेमिडिएशन दे आर अस वो क्या है जल्दी हाँ जी सो ऑब्वियसली दैट विल बी स्यूडो मैंने तुम्हें फाइटो रेमिडिएशन भी बताया था ना सो द एग्जाम्पल हेयर इज स्यूडो एंड इट्स अ पी वाई क्यू जिसको नहीं पता वो लिख ले राइट right? जिसको नहीं पता वो लिख ले ठीक है बच्चे ओके okay. सो so, इस क्वेश्चन का आंसर करो नीट 2022 का क्वेश्चन है ये ट 2022 का क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आंसर करो कि इन जीन थेरेपी ऑफ एडिनोसिन पेशेंट रिक्वायर्स इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिंफोसाइड बिकॉज़ सोचो इतने इजी क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आने वाले इतने इजी क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आने वाले हैं सो so ऑब्वियसली बच्चे क्योंकि जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स दे आर नॉट इमोटल एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाएंगे कल भी डिस्कस किया था ये सो so, बार बार उनमें इन्फ्यूजन जरूरी है राइट right? सो so, मैंने तुम्हें बताया था कि जीन uh, थेरेपी में पहली बार 1994 में एक चार साल की बच्ची पे की गई थी जिसमें एडिनोसिन डीएमाइनेज इंजाइन एबसेंट थी ये लिम्फोसाइट में पाई जाती है और हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जरूरी है अगर तो हमें जीन मान लीजिए जी, फॉल्टी जीन का पता एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में लगता है देन इट इज गुड एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में परमानेंट क्योर हो जाएगा वी कैन रिप्लेस दैट फॉल्टी जीन विद द करेक्ट वन लेकिन अगर लेटर ऑन पता लगता है राइट लेटर ऑन पता लगता है तो हमें उसको 100% या परमानेंटली क्योर हम लोग नहीं कर पाएंगे अब इस क्वेश्चन का आंसर दो इस क्वेश्चन का आंसर दो

इनमें से कौन सी पीसीआर की एप्लीकेशन नहीं है पीसीआर की एप्लीकेशन नहीं है यस yes, बच्चे सो इट इज प्योरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन जो कि पीसीआर का एग्जांपल पीसीआर की एग्जांपल नहीं है राइट right? पीसीआर का यूज मॉलिकुलर डायग्नोसिस मतलब हम लोग जैसे आर टी पी सी आर कोविड में कितना यूज हुआ है जीन एम्पलीफिकेशन तो है ही सो so इससे जब तुम एक जीन को स्टडी करोगे म्यूटेशन भी पता लग जाएगी लेकिन बच्चे आइसोलेटेड प्योरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन इज नॉट देयर सो थैंक यू सो मच बच्चों थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम आई होप यू ऑल इन्जॉयड द सेशन ऐसा ही संडे को जेनेटिक्स का सेशन है ओके okay? ऐसा ही सेशन जेनेटिक्स का है संडे को संडे को ठीक है सो so, वो भी सारे बच्चे लगाएंगे सात बजे के अराउंड वो सेशन होगा उसमें भी हम लोग काफी सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उसके अलावा चैनल तुम लोगों ने सब्सक्राइब किया है तुम्हें अपडेट आती रहेगी एम्स का वीडियो चेक कर लेना कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि तुम लोग किस तरह से 680 प्लस स्कोर कर सकते हो कौन से चैप्टर्स पढ़ के सो डू चेक द चैनल फॉर दैट डू चेक द वीडियो सेक्शन ऑफ द चैनल यू विल गेट इट देर ओके यू विल गेट इट दर अच्छा ठीक है अच्छा एक बच्चे ने डाउट पूछा है इसको एक्सप्लेन करके मैं फर्दर बताती हूँ एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम लैक जी जीन का क्या कॉन्सेप्ट है बच्चे इकोलाई के केस में तुमको पता है हमारे पास ये जीन प्रेजेंट है ये जीन बनाता है इंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज राइट right. ये जीन कौन सी इंजाइम बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये इंजाइम ना क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट पर एक्ट करती है मतलब ये कि ये इंजाइन जिस सबस्ट्रेट पर एक्ट करती है उससे क्या होगा क्रोमोजेनिक जो कलर प्रोड्यूस करेगा मतलब जब ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट पर एक्ट करेगी एक कलर प्रोड्यूस होगा और कौन से वाला कलर प्रोड्यूस होगा ब्लू सो हमें उस बैक्टीरिया की कॉलोनी कैसी दिखेंगी ब्लू नीली दिखेंगी अब इसी जीन के पास इसी लैक जी जीन में हमारे पास एक रेस्ट्रिक्शन साइट है हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन साइट है एक एक एंडो न्यूक्लियस की जिसको हम क्लोनिंग साइट भी कहते हैं वहाँ वो कट लगा देगी क्लोनिंग साइट क्लोनिंग साइट पर तुम्हारी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो ये क्या हो जाएगा इनएक्टिव नहीं हो जाएगी बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज इनएक्टिव नहीं हो जाएगी सो ये वाला फ़ीचर हम ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं ठीक है दैट्स द पॉइंट सो थैंक यू सो मच बच्चे फॉर योर टाइम बट येस एक रिक्वेस्ट है एक रिक्वेस्ट है जिसको सेशन अच्छा लगा आफ्टर दिस वीडियो कमेंट सेक्शन में एक हार्ट जरूर ड्रॉप करना ठीक है ठीक है इवन दैट मोटिवेट्स अस हमें भी अच्छा लगता है कि ठीक है बच्चों ने कमेंट किया है बच्चे अप्रिशिएट कर रहे हैं बच्चों को अच्छा लग रहा है सो डू लाइक आवर चैनल डू शेयर डू सब्सक्राइब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और येस कॉमेंट सेक्शन में हार्ट ड्रॉप कर देना ठीक है ओके एमनिओसटिस एमनियोसेंटेसिस ये पूछा है पहले बच्चे स्पेलिंग चेक कर अपने और एमनियोसिंटेसिस में हमें पता है बच्चा यूट्रस में ग्रो करता है मदर की वूम में सो so, वो बच्चा कवर्ड होता है एमनियोटिक फ्लूड से सो so, एमनियोसिंटेसिस में वो एमनियोटिक फ्लूड एक्सपर्ट्स उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें फीटल स्किन के फीटल बॉडी के कुछ सेल्स हैं उनको स्टडी करते हैं और कोई भी अगर यू you नो know, छेड़छाड़ है क्रोमोजोम के लेवल पर वी चेक दैट दैट्स ऑल सो so, लेकिन मतलब लोग कई सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए भी इसको यूज करते हैं बट विच इज नॉट गुड अभी यहां पे नहीं यहां पे नहीं कमेंट सेक्शन में आफ्टर द the...